अबे ये दीवार में सीलन कहां से आ गई? अंगूरे अंगूरे आ रहे लड्डू के भैया। क्या हुआ, कहां इतना चिल्ला रहे हैं? तुम्हें इस घर का जरा सा भी ख्याल है? क्या हुआ इस घर को? क्या हुआ वो देखो, सामने सामने देखो। दिया हाँ, हमको कॉल लग रहा है लड्डू के भैया कि ना रात को ही दरवाजा खुला रह गया होगा तो कोनो कुत्ता उत्ता घुस गया होगा और ये गीला कर गया होगा। तुम्हें दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? कुत्ता इतना बड़ा हिस्से को कैसे गीला कर सकता है? तो अरे अकल की घोड़ी, वो सीलन है, सीलन। अच्छा सीलन है? हाँ। तो आप क्या करेंगे? करना क्या, इससे पहले कि पूरे घर में फैल जाए किसी मिस्त्री विस्त्री को बुलाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक बना, शाम को बुला लीजिए किसी मिस्त्री को। तो ठीक है ना, खोके शॉप से लौटते वक्त किसी ना किसी मिस्त्री को बुला लेंगे। तब जाओ नाश्ता लगाओ हमारे लिए, जाओ। लगा रहे हैं, इतना गुस्सा काहे करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मुझे अनुराग पे शक क्यों हो रहा है? ओह, वो अपने फोन का पासवर्ड बार बार बदल रहा है, तो शक होना लाजमी है। नहीं नहीं विभु की इतनी हिम्मत कहाँ, उसका तो हमेशा से एक ही पासवर्ड है, अन्नु आई लव यू, वो भी मैंने ही तो डाला है। और वैसे भी ना किसी से चक्कर चलाने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए, विभु की जेब हमेशा खाली होती है। अच्छा सुन, तू चंद सहेली की एडिटर कलावती शर्मा की सलाह क्यों नहीं लेती है? हाँ नहीं, मैं तुझे फॉरवर्ड करती हूँ ना उनका नंबर। हाँ बेबी। अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, चल। ओके ओके, बस मीनल से बात कर रही थी। और गॉगल्स कहाँ से आए? कहाँ से आया मतलब क्या हुआ? खरीद के लाया हूँ, 2000 रुपए के। 2000 रुपए के गॉगल्स लिए तुमने, इतने महंगे? एक मिनट, तुम्हें मैंने टेलीफोन का बिल भरने के लिए 2000 रुपए दिए थे, तुमने बिल भरा कि नहीं? एक्चुअली ये गॉगल्स उन्हीं पैसों के। What? एक्चुअली हुआ क्या कि मैं ना बिल भरने गया तो ऑफिस बंद था, बगल में एक दुकान थी ऑप्टिशियंस की, वहां घुस गया। तो आप बड़े उससे गॉगल्स दिखाए मुझे, मैंने डिफरेंट गॉगल्स ट्राई किए, लेकिन जब मैंने ये पहना ना तो दुकानदार देख के गिर गया। कहने लगा भाई साहब ये आपके लिए बना है। अभी ऐसा नो भाई नो, नहीं सर आप इतने अच्छे लग रहे हैं इसमें, इतने अच्छे लग रहे हैं, आप लेके जाइए। ही फोर्स मी। मैंने पूछा कितने के? 2000 रुपए के। तो मेरे पास जेब में थे 2000, तो दे दिए मैंने। किस किस्म के इंसान हो तुमने टेलीफोन बिल के पैसों से इतने महंगे गॉगल्स खरीद लिए, ऊपर से तुम मुझे ये बात शान से बता रहे हो? तुम ही तो कहती हो ना कि विभु कुछ भी गड़बड़ हो कुछ भी गलत सही हो मुझे आके बताओ, सच सच बताओ। तो मैं तुम्हें आके सच सच बता दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी का? तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो यार? मूड नहीं खराब करूं तो क्या करूं? तुमने इतना महान काम किया, नाचू गाऊं? नाचो गाओ मत, लेकिन यार अब मैंने सिर्फ एक गॉगल्स ही तो खरीदे हैं यार, कौन सा मैंने क्राइम कर दिया कोई यार? तुमने क्राइम किया है, तुमने क्राइम जैसा काम किया है, तुमने टेलीफोन बिल के पैसों से गॉगल्स खरीदा है, तुमने अपने पैसों से गॉगल्स नहीं खरीदा है। तुम अपने पैसों से ना गॉगल्स क्या, मैं तो कहती हूँ ताजमहल भी खरीदो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे कहां से भरूंगी टेलीफोन का बिल यार? तुम टेंशन क्यों लेती, भर दूंगा ना मैं। कहां से भरोगे? उधार लेके? कोई काम पकड़ लूंगा। क्या क्या तुमने? No. सबसे पहले तो एक बेरोजगार आदमी को इतना महंगा गॉगल्स लगाने का कोई हक नहीं है, और दूसरी बात तुमने टेलीफोन बिल के पैसों से ये गॉगल्स खरीदे। नहीं नहीं अम्मा जी, या ना एक ठो प्रॉब्लम हो गया है। हाँ 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 नहीं, हमारे बाहर का जो दीवार है ना, हाँ ऊपर सीलन आ गया है। आई बात को लेकर लड्डू के भैया हमको सुबह सुबह डांटे भी। नहीं नहीं वो बोले हैं बात करेंगे किसी मिस्त्री से। हाँ आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक करा लेंगे। हाँ भाभी जी के घर की सीलन तो मैं भी ठीक कर सकता हूँ।
इससे मेरे दो फायदे होंगे। एक तो मैं यहाँ से कुछ पैसा कमा कर फिलहाल अनु के तानों से बच जाऊंगा, और दूसरा ये कि भाभी जी के साथ वक्त गुजारने का इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। हाँ प्रणाम, बाद में कॉल करते हैं। ठीक बा। हिलो भरभूति जी। भाभी जी हम तो ऑलरेडी हिले हुए हैं, और आप है कि हिलने का नाम नहीं दे रही हैं। क्या बोले? अरे भाभी जी I'm all right, लेकिन अभी आप कुछ बात कर रही थी सीलन विलन की, क्या है ये? हाँ सीलन आ गया है ना, वो हमारे बाहर का दरवाजा है ना, उसके बगल का जो दीवार है हाँ ऊपर बहुत सीलन आ गया है। आपकी नजर में कोई अच्छा मिस्त्री है का? भाभी जी मेरी नजर में कोई मिस्त्री तो नहीं है, लेकिन आपके सामने एक बहुत ही केपेबल, बहुत ही काबिल, बहुत ही हैंडसम लुकिंग सिविल इंजीनियर खड़ा है राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। हाय ये कहाँ है एंजेलिना? अरे इट्स नॉट एंजेलिना, इट्स इंजीनियर। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन कहाँ है, हमको तो यहाँ कोना नजर ना ही आ रहा है। भाभी जी आपकी नजरों के एकदम सामने खड़ा है, एकदम सामने। क्या हमारी नजर के सामने तो आप खड़े हैं? एक्चुअली वो नाची सिविल इंजीनियर मैं। हाय दिया आप एंजेलिना हैं। भाभी जी मुझे कई बार लगता है कि आप जानबूझ के ऐसा करती हैं, बट आई लाइक इट। भाभी जी मैं ही हूँ जिसने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, और ऐसे सीलन मैंने बहुत ठीक की, बहुत ठीक की। क्या बात कर रहे हैं, अब फिर हमारे घर का भी वो सीलन ठीक कर दीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, आपके घर की सीलन ठीक करने के लिए तो मैंने अभी ये डिग्री ली है सिविल इंजीनियर की। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ठीक कर देंगे, चुटकियों में ठीक कर देंगे ऐसे। हाँ तो फिर ठीक कर दीजिए चुटकियों में, और काम शुरू कर दीजिए। ओके भाभी जी आई लव यू। क्या बोले? ओके भाभी जी ठीक कर देंगे, राइट आई लव यू। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। हाँ हाँ शुरू कर दीजिए, आज ही शुरू कर दीजिए। भाभी जी कहाँ है? वो जरा काम में मसरूफ है। अच्छा तब तक हमारा आप दिहाड़ी की बात कर लेते हैं। एक्चुअली दिहाड़ी है 1500 रुपए, लेकिन क्या है कि आप हमारे पड़ोसी हैं और हमें आपसे काइंड ऑफ प्यार है, तो मैं आपसे 1000 ले लूंगा। 1000? 1000 रुपए दिहाड़ी? इससे मैं एक पैसा ना कम लूंगा ना ज्यादा। तो मजदूर आएंगे मेरे साथ, उनके 250 रुपए अलग। यार माफ कीजिए कि ये दिहाड़ी तिहाड़ी ये सब क्या हो रही है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके सीलन आ गई है ना? हाँ सीलन आ गई है, तो उसी की रिपेयरिंग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। भाभी जी से मेरी बात हुई थी क्या? उनसे बात नहीं हुई आपकी? नहीं, अंगूरी ने तो हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन ये सीलन वीलन ठीक करने का काम आपने कब से शुरू कर दिया? जब से आपके घर में सीलन आई है। जी क्या वाका आपने? यानी कि आपको पता नहीं है क्या? क्या क्या पता नहीं है? वेल एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ। आप सिविल इंजीनियर है? मैं रे मजाक नहीं कर रहा हूँ तिवारी जी, मैंने डिग्री हासिल की सिविल इंजीनियरिंग में। बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले थे क्या? किस एंगल से आप सिविल इंजीनियर है? तिवारी जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बाकायदा सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, डिग्री है मेरे पास यार। ओ, अच्छा अच्छा, जो डिग्री दिखाइए, जरा दिखाइए डिग्री। ऊपर दिखाऊंगा ढूंढ के, लेकिन आप प्लीज काम मुझे दीजिएगा। ठीक है पहले डिग्री दिखा दीजिएगा फिर बात करेंगे। अरे कौन सी डिग्री दिखाने के लिए कह रहे हैं आप बेबू को? देखो ना बेबी, तिवारी जी कह रहे हैं सीलन आ गई है, और मैं सीलन निकालने में एक्सपर्ट हूँ तुम तो जानती हो। मैं कह रहा हूँ मुझे काम दीजिए, और ये मना कर रहे हैं। तिवारी जी क्या हुआ, देख लीजिए ना बेबू कह रहा है तो, अगर वो सीलन निकाल देगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? भाभी जी हम कैसे मान ले कि हमारे घर की सीलन निकाल देंगे, अगर सीलन निकालने के चक्कर में इन्होंने मेरा घर गिरा दिया तो? बड़ी इडियोटिक बात करी आप, बड़ी सेंसलेस बात करी आप, बड़ी बेतुकी बात करी आप। अरे भाई मैं सिविल इंजीनियर हूँ, घर कैसे गिरा दूंगा आपका? What is he talking? भाभी जी ये सिविल इंजीनियर है क्या? अब इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। कमाल है भाभी जी, आपको भी नहीं पता कि ये सिविल इंजीनियर है? जरूरी नहीं कि मैं हर बात अनु से शेयर करूं। ऐसे सुनने में आया कि आप भी कच्चा बनियान बेचने से पहले कबाड़ी हुआ करते थे, लेकिन ये बात आपने भाभी जी का शेयर नहीं करी है। ये आपको किसने बताया? आपके एक कबाड़ी दोस्त ने। तो मैंने ये बात पूछी भाभी जी से, मैंने कहा कि आपको पता है, तो शी हैड नो नॉलेज, उनको इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था कि आप पहले कबाड़ी थे। भाई जी आप कबाड़ी थे? क्या बेबी, यू वाज 100% कबाड़ी। मैं आपके काम से आया हूं, आई केम बिकॉज ऑफ योर वर्क।
अब बस 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 शांत हो जाइए ना। क्या काम है बरबूती जी? अभी एक्चुअली कल से रिपेयरिंग वर्क शुरू हो रहा है, तो उसके उसके मटेरियल लाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त खुजली मची आपके? सुबह नहीं बता सकते थे आप? अब कौन सी दुकान खुली होगी? देखिए मैं पैसे दूंगा टीका मलखान को, सवेरे मटेरियल लेकर आएंगे। हमें 9 बजे से काम शुरू करना है ना। हाँ, कितने पैसे चाहिए बताइए ना। आप देखिए क्या है, 10,000 काफी रहेंगे फिलहाल। 10,000? इतना महंगा सामान आता है क्या? अरे तिवारी जी, एक सीमेंट का कट्टा आता है 3,000 रुपए का, फिर गारा है, गिट्टी है, बहुत सारी चीजें हैं, फिर टीका मलखानों को एडवांस भी देना है। दे दीजिए ना लड्डू के भैया, दे दीजिए ना। काहे बहस कर रहे हैं, हमारे घर का ही तो काम है। दे दीजिए ना। अरे ये वेरी सेंसिबल। ये लीजिए, इसका बिल चाहिए मुझे, बिल। हाँ बिल मार दूंगा मुंह पे आपके। ये लीजिए भरभूती जी, और हलवा लीजिए, लाइए प्लेट। भाभी जब इतने प्यार से खिला रही हैं, जबान ना हिम्मत नहीं कर रही मना करने की, ये बता रहा हूँ। हाँ तो खाइए ना, अच्छे से खाइए। अटीका मलखान कुछ चाहिए का? भाभी जी मुझे पूरी दे दो। खा दिया। खाई लो। भाभी जी चार समोसे दे दियो। टूटे हुए तेरे हाथ सामने पड़े हुए, ये वो दे दियो। भैया आज बहुत दिनों बाद है ना, इतना तो अच्छा खाना खाने को मौका मिलो है। थैंक यू भाभी जी। खा के मर मत जाइयो। सुन बेटा, हमारे साथ रहेगा ना तो बड़े ऐश करेगा। भैया जी एक बात कहूँ, ये बात तुमने एकदम सही कही, आप ना मुफ्त खोरी के बेताज बादशाह है रे। मुंह बंद कर ले अपना बेटा और ठूस के बैठ जा। बनाया। अबे तेरी, अबे ये क्या रायता फैला हुआ हमारे घर में है? ओ भभूती जी, ये क्या रायता फैला रखा आपने हमारे घर में? तिवारी जी रायता नहीं है, काम चल रहा है ना। अच्छा ये ऐसे काम चलता है, है? ऐसे काम चलता है? आपको छोटी सी सीलन ठीक करने के लिए कहा था हमारे घर में, आपने ये पूरे घर में हमारे बांस बल्लियां बांध दी। भाभी जी दो पूरियां दीजिए जरा। हाँ हाँ लीजिए ना, ये लीजिए। बहुत अच्छी बनाई आपने पूरी हमें। भाभी जी दो चार समोसे दे दो मेरे को। हाँ लीजिए। अब भाभी जी अब 5-6 पूरी दे दीजो। अबे ये चल क्या रहा है हमारे घर में? तुम काम कर दो, दावतें उड़ाने आयो। दावतें उड़ाने आए? क्या कहा? तिवारी जी क्यों इतना चीज़ आ रहे हैं, हमारा लंच टाइम है यार ये। अच्छा ये सुबह के 9 बजे कौन सा लंच टाइम होता है? हमारा लंच टाइम होता है, कोई प्रॉब्लम है आपको? तो घर से करके आना चाहिए था ना लंच वंच। देखिए क्या तिवारी जी, जहाँ हम काम करते हैं ना लंच हम वहीं करते हैं, और तमाम जो क्रियाएं होती हैं वो भी हम वहीं करते हैं। क्रियाएं जी? खाने दीजिए ना लड्डू के भैया, काहे इतना गुस्सा कर रहे हो, बेचारे मजदूर हैं। लल्ला हुआ है क्या हमारे यहाँ जो इन मजदूरों को दावत खिला रही हो? तिवारी जी आप कितनी खर्चा शख्सियत के इंसान है, आपको शर्म आनी चाहिए। भाभी जी सवाब कमा रही हैं और आप उन्हें डांट रहे हैं? अरे घुइया के खेत में गया सवाब। हमने आपको एक छोटी सी सीलन ठीक करने के लिए कहा था, ये आपने पूरे हमारे घर में ये क्या रायता फैला दिया है? तिवारी जी एक बात बताइए। क्या तिवारी जी, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, आपके जोड़ों में दर्द होता है, गुर्दों में दर्द होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए? हाँ तो डॉक्टर आपका चेकअप करता है, कुछ टेस्ट देता है, कुछ एक्सरे देता है, कुछ MRI देता है, पता लगाता है कि बीमारी का रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, फिर उसका वो इलाज करता है। हाँ तो मैं भी इस सीलन का कहाँ से स्रोत है, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। ओहो अच्छा अच्छा, मतलब एक छोटी सी सीलन ठीक करने के लिए आप हमारा पूरा घर उधेड़ेंगे है? जरूरत पड़ी तो आपके भी उधेड़ देंगे। क्या 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 क्या, क्या बगा अभी आपने, क्या बगा? देखिए आप मेरे काम में दखल अंदाजी मत कीजिए ना, अपना काम कीजिए। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मुझे मालूम है क्या कर रहा हूँ, आई नो माई जॉब राइट। भाभी जी यू मेड सम डिलीशियस एब्सोल्युटली स्कम्पशियस पूरी एंड हलवा भाभी जी। खाइए अच्छे से खाइए, बहुत है अंदर भी बहुत है।
क्या हुआ? किसलिए? किसलिए आए हैं? अभी अभी किसलिए आया था? हाँ भाभी जी, देखिए एक तो हमने आपके कहने पर भभूति जी को रखा। एक मिनट, आपने मेरे कहने पे बिबू को काम पे नहीं रखा है, प्लीज। चलिए ठीक है, मान लेते हैं नहीं रखा भाभी जी, लेकिन आप एक बार घर पर चल के तो देखिए। देखिए ना, उन्होंने जो है वो एक छोटी सी सीलन ठीक करने के चक्कर में हमारे घर का क्या हाल बना दिया है। क्या हाल बना दिया है तिवारी जी? अरे भाभी जी, पूरे घर में बांस बल्लियां लगा दी हैं, कहते हैं पूरे घर को उधेड़ना पड़ेगा। क्या जी? और देखिए भाई जी, घर में दावतें उड़ाई जा रही हैं, काम धाम कुछ हो नहीं रहा है। क्या मुसीबत है, उठाइए। भाभी जी की खुशबू इसमें समाई है। जो करे गिरा देंगे आप, दीजिए। आइए, चलिए भाभी जी। एक मिनट रुकिए ना, सामान मैं भूल जाऊंगी सब अपना। देखिए मोबाइल फोन आपकी वजह से मैं भूल गई। आप इतना कंफ्यूज कर रहे हैं आज मुझे। सॉरी, आज मैं बहुत लेट होने वाली हूँ आपकी वजह से। अब जल्दी जल्दी देखिए, मैं 2 मिनट रुकूंगी सिर्फ। जी इतना लेट हो रही है मुझे, और वैसे भी ना भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए, अंदर आए। बिस्किट खा रहे थे अंदर। मेरे चेहरे पे पेंट गिरा दिया बेबू। I'm sorry. I'm really, really sorry. बीबी जी, आपको पता है कि यहाँ पेंट चल रहा है तो नजदीक आने की जरूरत क्या थी हमारे, दूर रहती। जब मैं तुम्हारे पास खड़ी हुई थी तो क्या जरूरत थी काम करने की, रुक नहीं सकते थे? हम सेठ जी का नुकसान नहीं कराना चाह रहे थे। अगर 5 मिनट रुक जाते तो क्या नुकसान हो जाता तुम्हारा? हम ईमानदार मजदूर हैं, हम नहीं रोकते हाथ अपना, हमारा हाथ चलता रहता है। चेहरा खराब कर दिया तुमने, चेहरे पे मेरे पेंट डाल दिया। कोई चेहरा खराब नहीं हुआ है, हाथ में मिट्टी का तेल लो, मुंह पर रगड़ लो, चमाचम हो जाएगा। शट अप। अरे भाभी जी, ये बांस तो उखड़वाती जाइए। चुप रहिए आप, मेरे चेहरे पे पेंट गिर गया और आपको अपने बात की पड़ी है। अरे नहीं भाभी जी, हम चुप रहिए, आप ही की वजह से हुआ है। जब आपको पता है कि आपके घर में पेंटिंग का काम चल रहा है तो क्या जरूरत है मुझे हलाने की? अरे भाभी जी, हम तो भाभी जी। भैया वो ठंडे पानी की 2 बोतल लाइयो। ले पकड़ बेटा, चल भाई। भैया चाय तो बना दो। भैया मेरे बाप की बारात में आया क्या, चाय पिला दो। सारा खाना खाया, कम नहीं है क्या? अगली बार पानी मत ना मांग लियो, घर मिला के दे देगो। ये बकवास बंद कर, काम करते रहो। चलो कर रहे हैं आप? बस भाभी जी, चाहत के रेगमाल से मोहब्बत की दीवार पे लगी पपड़ी को घिस रहे हैं। खरामा खरामा खरामा। क्या बोले भाभी जी? जो आपके लिविंग रूम में जो सीलन है ना, उसका ताल्लुक आपके किचन से है। क्या बोल रहे हैं? वो बाहर जो सीलन हुआ है उसका संबंध यहाँ चिकन से है? चिकन नहीं भाभी जी, किचन। किचन ऐसे ही पकड़े हैं जी, संबंध उसका किचन से है। एक्चुअली क्या है कि जैसा दिल का संबंध होता है आंखों से, वैसे ही किचन का संबंध है आपके लिविंग रूम से। जैसे जब दिल को किसी से प्यार हो जाता है ना भाभी जी, मोहब्बत हो जाती है, तो आंखें खुद ब खुद नम हो जाती है। आप क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ नहीं समझ आ रहा है भाभी जी। साहब किसी अदा पे तो दीवाने हो रखे हैं। क्या बोले? अरे भाभी जी, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बोले? खैर मैं भी कहां सर मार रहा हूँ। भाभी जी कुछ खिलाएंगे नहीं? बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे तो ये बोलिए ना, ऐसे शायरी में बोलते हैं, हमें कुछ ना ही समझ आता है। बनाए है ना गर्मा गर्म आलू के पराठे, बनाए हैं आपके लिए। क्या बात कर रही भाभी जी, आलू के पराठे? और साथ में मिर्च का अचार भी है। ओहो भाभी जी, आपने तो पूरा लूटने का इंतजाम कर रखा है। उसमें थोड़ा किशमिश भी मिलाए हैं। थोड़ी मोहब्बत मिला देती तो मजा आ जाता भाभी जी। क्या बोले? अगर भाभी जी ले आई, अब तो जो भूख है वो हलक तक आ गई है। लाते हैं, बैठिए। हम भी किससे दिल लगा बैठे, बात करते हैं मोहब्बत की, वो पराठे ले आते हैं। अब पास आके क्या करेंगे? रोमांस करेंगे और क्या करेंगे। तनिक वही वाला गाना दोबारा सुना दो, वो जो शादी होने के बाद शुरू शुरू में सुनाया करती थी ना, जिसको सुनकर हम बहुत रोमांचित हो जाया करते थे।
फिर से? फिर से? क्या सुना सुना? हाँ हम तो गाएंगे लेकिन आपको हमारे साथ नाचना पड़ेगा। हो फिर से? चलो फिर आओ शुरू हो जाओ। चलो शुरू करें? शुरू करो। लगा ले लो जब लिपस्टिक ये ले लो सारा डीजी लगा ले लो जब लिपस्टिक ये ले लो सारा डीजी जिला टॉप लागे लो कमरिया 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 हमरी लपालू पलाली पाप लागे लो कमरिया हमरी लपालू पलाली पाप लागे। लता इतनी रात में सारा मूड खराब करके रख दिया। चाचा जी आप? नमस्ते चाचा जी। अरे रहने दे। तू ये बता, तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? चाचा जी क्या है ना, मैं सो रही थी। अच्छा सो रही थी? मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो इतना तेज म्यूजिक बजा कर सो रही थी। अरे वो चाचा जी वो तो मेरी आदत है, मैं लाउड म्यूजिक में सोती हूँ, जब तक दो चार गाने नहीं सुन लेती ना मुझे नींद ही नहीं आती। तू क्या डिस्को में पैदा हुई थी? नहीं बस आदत है। सुन लड़की, ये मेरे बाल जो है ना ये धूप में नहीं झड़े। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू खचेड़ू को धोखा दे रही है। नहीं 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 चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने आज अपनी आंखों से एक मजदूर टाइप के आदमी को जो लुंगी पहने हुए था तेरे कमरे में घुसते हुए देखा है। चाचा जी वो आपको गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे गलत फहमी का पर्दा तो तूने मेरी आंखों में डाला है जो अब हट गया है। चाचा जी क्या क्या फाड़ दिया आपने? ये 20 करोड़ की वसीयत मैंने खचड़ू के नाम की थी जो फाड़ दी, देख ले। What? Oh God. चाचा जी क्या कर दिया आपने, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने क्या गलत किया? जब खचड़ू अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता है तो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या खाक संभालेगा? विभू बाहर आओ, हो गया तुम्हारा फैंसी ड्रेस। बेबी लुंगी वरना कोई आसान काम नहीं, रुके थे बोले से। अच्छा जी आप यहां इस वक्त? What? देखो ना, पहले चाचा जी ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। उसके बाद ये जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी की वसीयत लेके आए थे उसको फाड़ दिया। मम्मी, चाचा जी आपने ऐसा क्यों किया? Why? अरे मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुन, मैंने अपनी आंखों से आज एक मजदूर टाइप के आदमी को जो लुंगी पहने था सीढ़ी पे चढ़ते हुए इसके कमरे में घुसते हुए देखा है। वो लुंगी ये तो नहीं थी? अरे हाँ ऐसी थी वो लुंगी। ऐसी नहीं वो लुंगी यही थी। मैं था मजदूर टाइप आदमी, मैं था, आई वॉज देयर। क्या? यस। तो इतनी रात को तू अपने ही घर में मजदूर बन के क्यों घुस रहा था? अनु की ख्वाहिश थी कि मैं मजदूर बन के इसके बेडरूम में घुसूं तो मैं घुसा। सचो भैया एक बात तो सच है, ऐसे काम अगर पूरी जिंदगी मिल जाए ना तो ऐश हो जाएंगे हमारे तो। जालिम एकदम सही कह रहे है, 1 घंटा काम करो और 2 घंटा आराम करो। यार मेरा बस चले तो मैं भाभी जी घर में काम करते ही रहूं जिंदगी भर, यहीं पड़ जाऊं। भैया कछु ऐसा जुगाड़ करो ना कि कुछ ना कुछ काम मिलता रहे।
कर रहे जुगाड़ कर, करते रहो शाबाश, मजे करो। अंगूरे ये क्या है? ये पाइप उखड़ा पड़ा है, टाइलें टूटी पड़ी है, ये है क्या? अंगूरे आ रहे आ रहे हैं। अधिया क्या हुआ, का है इतना चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया? ये पानी का है नहीं आ रहा है? हमको क्या पता का है ना आ रहा है? कैसी बच्चे जैसी बात करते हैं आप सेठ जी, पाइप टूटा पड़ा है सामने, इसका मतलब ये कि मेन बंद है ना। क्या भाभी क्या लाई है? दूध वाला आए हैं, बाकी लौंडों को दे दीजिए। ला भाभी जी दूध दो। मस्त यार, चीयर्स। ये हमारे ही घर में मुफ्त की मलाई पेल रहा है। सेठ जी आप हमारे मजदूर के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं। ज्यादा बोलिए मत, नहीं तो आपको भी गुलचिया देंगे। हाथ लगा के दिखाइए, मेरे पीछे मालूम है कौन खड़ा हुआ है? मजदूर यूनियन। अरे जाइए, मजदूर यूनियन गई घुइया के खेत में। एक बात बताइए, ये पाइप उखड़ा पड़ा है, ये टाइले वाले टूटी है, घर की ये हालत बना, जिसका खर्चा पानी कौन देगा? भैया सिलन चेक कर रहे हैं, ये देख रहे थे कि कहां से सिलन आ रही है, पाइप फटा हुआ था। अब ये बताइए इंजीनियर कौन है? मैं हूं कि आप? अरे घुइया के खेत में गया इंजीनियर, अभी भाभी जी के पास जाकर आपकी सारी इंजीनियरिंग निकालते हैं, समझे? भैया वो ठंडे पानी की दो बोतल दे दो ना फ्रिज में से। भाभी देख रही हैं कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, हमें काम भी नहीं करने दे रहे। हाँ देख तो रहे हैं, लेकिन अब क्या बोलेंगे उनको? भाभी जी आप कुछ बोलिए मत, करिए। क्या करें? चाय बना रही है और साथ में बिस्किट भी। हाँ चाय पियेंगे, हाँ लाते हैं। भाभी जी चाय में अदरक भी डाल दीजो। हाँ डाल देंगे। अदरक का बड़ा शौक, अदरक का तेरी अदरक तो मैं पीसूंगा एक रोज। अच्छा गर्मा गर्म चाय पीजिए। भाभी जी आप चाय पिलाएं और हमारी हिम्मत आपको मना कर दें, हम तो पी लेंगे। लो बेटा पी लो, उठाओ कप। थैंक यू भैया। थैंक यू भाभी जी। हाँ हम क्या बोल रहे हैं, गर्मा गर्म आलू बॉन्डे भी बनाए हैं, लाएगा? हाँ भाभी जी लेके आइए, वो बॉन्डे ये भोंडे खा लेंगे। ठीक बा, हम ले आते हैं, बैठिए। लिया भाभी जी बॉन्डे लिया। जल्दी खा लो, हाथ चला लो जल्दी, लेके आता होगा अनु को, वो तिवारी का बच्चा। मलकान काम की वजह से ना भैया कितनी बेइज्जती सहन कर लेता हूँ मैं, वरना किसी के बाप की भी नहीं सुनूं मैं। सुने बोलो अनु, तुमने वो छत की ईंटें ढीली कर दी है ना? हाँ भैया ढीली कर दी एकदम, चिंता मत ना करो। गुड, क्योंकि हमें काम खींचना है, बढ़ाना है और इस तिवारी के बच्चे को लूटना है। कोई जगह दिखे गड्ढा खोद दो, कोई चीज तोड़ दो, ताकि काम खींचता रहे। भैया एक बात कहूँ आप हो बहुत बड़े कमीने आदमी। मुंह बंद कर ले अपना। भैया जी भाभी आ रही, आइए भाभी जी आइए आइए। ये देखिए, ये है इनकी करतूत, देखिए। तेबू ये क्या नाटक चल रहा है? बीबी जी आप रेनकोट पहन के क्यों आए हो, बाहर बारिश पड़ रही है क्या? याद नहीं है मेरे साथ पिछली बार क्या हुआ था, अपने आप को तुम्हारे पेंट से बचाने के लिए मैंने रेनकोट पहना है। देखा तिवारी जी, ये कहते हैं कॉमन सेंस। सीधा मुद्दे पे आइए, भाभी जी पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। ये क्या नाटक लगा रखा है आपने, है? एक छोटी सी सीलन ठीक करने का काम दिया था आपको, लेकिन आपने पूरे घर का कबाड़ा करके रख दिया। ये बताइए कि सिविल इंजीनियर कौन है, मैं या आप? गुड़िया सिविल इंजीनियर है, आप तो ढंग के मजदूर भी नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।